ये बच्चा का ये सामान ये हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं साथ जिले ज़रा। दोस्तों, नई सुबह के साथ, नई जगह पे और नई वीडियो के साथ मैं हूँ यहाँ पर इस टाइम मुंबई में। और मुंबई में मैं इस टाइम आया हुआ हूँ हाजी अली पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मैं हूँ यहाँ पर इस टाइम दरिया में। फिलहाल हाजी अली का इस टाइम पानी नीचे है, मतलब पीछे हटा हुआ है, तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लहरें, दूर दूर तक तो कुछ नहीं, शांति इतनी ज़्यादा। शायद ये मोमेंट मुझे शायद दिल्ली में देखने के लिए कभी नहीं मिलता जो मुझे मुंबई में देखने के लिए मिल रहा है। और जिसने अभी तक हाजी अली की वीडियो नहीं देखी हुई है वो मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े। इसमें फुल डिटेल के साथ मैं हाजी अली को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई में। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, कैसी आपके लिए जगह रहेगी, ये बेस्ट है। अगर आप मुंबई आ रहे हैं घूमने तो इस जगह को मिस बिल्कुल ही ना करें और इस मूवमेंट को तो बिल्कुल भी ना करें। जो दिल्ली से हैं, मुझे पता है दिल्ली से जिसने अभी तक मुंबई में विजिट नहीं करा वो ये मूवमेंट अभी इंजॉय नहीं कर पाए होंगे, मगर आप मेरी वीडियो के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये मूवमेंट शायद इंजॉय हो जाए। जब आप कभी वीडियो देखने आएंगे यहाँ पर मुंबई आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस टाइम मैं बता दूँ, मैं यहाँ पर दरिया पे हूँ और यहाँ पर पानी जो कम है अब इसके बाद ये शाम के टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं शुरू से और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे कैसे हाजी अली तक आया जा सकता है और हाजी अली पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े, एंड तक जुड़े। दोस्तों, ये है हाजी अली रेस्टोरेंट और ठीक इसके बराबर में ये रास्ता जा रहा है हाजी अली दरगाह के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने का सामान मिलेगा जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हलवा पराठा है सुबह के नाश्ते के लिए, शाम में भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, काफ़ी फेमस है ये। और यहाँ पर आगे चलते चलते आपको दरगाह के लिए काफ़ी सारे सामान मिल सकता है, जैसे चादरें और शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत सामान ये आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब मगर यहाँ पर आपको अगर चादर लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं लेनी है तो आगे, मतलब आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर चादर के रेट आपके यहाँ से 200 रुपये से स्टार्ट है। और यहाँ पर आगे चलते चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पान मिल रहे हैं, पान और भी खाने पीने की चीज़ें जैसे हैं यहाँ पर। और ये रही चादरें, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चादरों के अलग अलग रेट है, 200 रुपये से स्टार्ट है। दोस्तों यहाँ से आप जब आगे चलते रहेंगे तो ऐसी आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। मज़ार की बाहर की चीज़ें ये सिर्फ यहाँ तक की हैं। इसके बाद आप जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहला नज़ारा आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जिसके लिए हाजी अली जाना जाता है, हाजी अली दरगाह। ये यहाँ पर पूरा दूर दूर तक समंदर है और बीच में हाजी अली दरगाह आप देख सकते हैं। और ये वो रास्ता जा रहा है जहाँ से हमें हाजी अली दरगाह की तरफ जाना है। इसके साइड में आप देखेंगे यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर एक फ्लाईओवर निकलेगा आने वाले टाइम में, जब कभी वीडियो बनाने आऊँगा मैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रहा वो रास्ता जहाँ से हाजी अली दरगाह की तरफ जाने। दोस्तों जैसे जैसे हम आ गया है वहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेगी ऑलमोस्ट दरगाह पर आने के लिए, खाने पीने का सामान भी है, दरगाह पर चढ़ाने के लिए भी है। और वैसे आप अगर जब ज़ियारत करेंगे तो यहाँ पर वजू करने के लिए भी, अंदर मस्जिद भी है और काफ़ी अच्छी है। खैर, तो ये सबसे अच्छा है मोमेंट हाजी अली का, दरगाह का ये मेन गेट है। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर और फिर इसका नज़ारा कैसा है वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ, वीडियो में देख के आप जबरदस्त। दोस्तों ये है हाजी अली दरगाह का मेन गेट और आप देख सकते हैं देखने में बेहद खूबसूरत। और यहाँ से हम करने वाले हैं एंट्री अंदर, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जाने के बाद अब अंदर, पहले सबसे पहले तो आप ऐसे देखेंगे यहाँ पर काम चल रहा है दरगाह पे, इसलिए यहाँ पर टेंट वेंट लगे हुए हैं। जैसे आप अंदर करेंगे एंट्री तो यहाँ पर देखिए नारियल के पेड़ है और ये ऊपर बैठने और आराम करने के लिए जगह है। इसके बाद यहाँ पर साइड, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ज़ियारत कर सकते हैं हाजी अली सरकार की। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है। इस टाइम यहाँ पर काम चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर ही चादर दे दी जाएगी, वो यहाँ पर जो काम करने वाले खिदमत करने वाले हैं वो आगे चढ़ा देंगे, आप ऐसे दुआ कर सकते हैं उनके लिए। और देखें दोस्तों ये रहा यहाँ पर सीधा
हाँ जी दोस्तों, इसके बाद यहाँ से आप आगे चलेंगे तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद आगे कवाली हो रही है। आइए मैं आपको कवाली भी सुना देता हूँ कि किस तरीके की हो रही है आगे इस दरगाह पर। काफ़ी शानदार थी। उसके बाद ये मस्जिद है। अब मस्जिद के बाद यहाँ से जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, बेस्ट व्यू कि सिर्फ समंदरी समंदर। तो ये हम बैक साइड पे आ गए और बैक साइड पे भी आपको सिर्फ समंदरी देखने के लिए मिलेगा, जो कि हाजी अली दरगाह जिसके लिए जानी जाती है 20 समंदर के बीच में है और ये खुद में ही एक करिश्मा जैसा है। और जो बंदे यहाँ पर आते हैं, जो इन्हें मानते हैं, वो इनके लिए दुआ करें। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा जो कि दिल को बहुत सुकून देता है। और कुछ मतलब कितना भी आप टाइम स्पेंड कर लें यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। तो बेस्ट व्यू था मेरे लिए ये। दोस्तों फाइनली हमारी यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हुई और हाजी अली दरगाह के ठीक हम पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ से आपका व्यू सबसे बेस्ट ये रहा। और कैसी रही ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ जी लगा।